अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। ये साइकिल रैली का आयोजन किया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य दो है। पहला, संपूर्ण देशवासियों को प्रेरित करना कि हम 17 नवंबर के दिन 100% लोग घर से बाहर निकले एवं मतदान करें। बट साथ ही साथ केवल हमारा लक्ष्य ये नहीं है कि 100% लोग बाहर निकलें और मतदान करें, हमारा लक्ष्य ये है कि हमारा मतदाता जागरूक हो। और एक कॉन्सेप्ट होता है नैतिक मतदान का, एथिकल वोटिंग का। तो हम ना केवल मतदान करें अपितु हम नैतिक मतदान करें। अब नैतिक मतदान का मतलब क्या हुआ? नैतिक मतदान में तीन बिंदु निकल कर आते हैं। पहला, 17 नवंबर छुट्टी नहीं है, हम सबको निकलना है घर से बाहर, वोट डालना है। दूसरा, हमको बिना किसी प्रलोभन के वोट डालना है। आमूमन देखा गया है, पूर्व में भी ऐसे किस्से आए हैं कई बार कि भाई कोई व्यक्ति साड़ी लेके वोट डाल देते हैं, कुछ पैसा लेके वोट डाल देते हैं, कुछ दारू की बोतल लेके वोट डाल देते हैं। तो इन सब चीजों से हमको बचना है। और तीसरा, सबसे बड़ी बात, नैतिक मतदाता वो है जो अपने कैंडिडेट्स को जानता है। ये आप सबको पता होगा, निर्वाचन आयोग के द्वारा तीन बातें प्रत्येक कैंडिडेट के बारे में बताया जाना उसके द्वारा जरूरी है। तीन बातें कौन सी? पहला, उसकी कितनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, कि वो अनपढ़ है, पढ़ा लिखा है, कैसा व्यक्ति है वो। दूसरा, उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड क्या है। चले पता, जिसके लिए आप वोट डाल रहे हो उस पर दुनिया भर के केस चल रहे हैं पुलिस में। और तीसरा, उसकी संपत्ति कितनी है। चले पता वो आपके बीच में आता है ये बोल के कि हम तो आपके साथ ही हैं, और चले पता बंदा तो करोड़पति अरबपति है वो। तो ये तीन बातें बताना चुनाव आयोग ने मैंडेटरी कर रखा है हर व्यक्ति के लिए जो भी चुनाव लड़ता है। तो एक नैतिक मतदाता वो है जो सबसे पहले पता लगाए अपने कैंडिडेट्स के बारे में कि उसकी ये तीन बातों में वो कहाँ खड़ा होता है। और ये सब देखने के बाद, उसका इलेक्शन मैनिफेस्टो पढ़ने के बाद, ये सब चीजें करने के बाद फिर एक सही निर्णय ले कि मुझे किसको वोट डालना, ना कि जाति के आधार पे, धर्म के आधार पर। ये सब चीजों के आधार पे यदि हम इतने जागरूक हो गए कि हम ऐसा वोट डालें, तब हम अपने आप को बोलेंगे कि हम एक एथिकल वोटर हैं। तो आज इस साइकिल रैली का महत्व यही है कि ना केवल हम बाहर निकलें अपितु हम 17 नवंबर को घर से निकलकर एथिकल वोटिंग सब देशवासी करेंगे, तो हम सही मायने में देश के एक अच्छे नागरिक के रूप में निकल कर आएंगे। और तब हम कह सकेंगे कि ये सरकार सही मायने में हमने चुनी है, और वो सरकार सही मायने में फिर हमारा भला करेगी। तो आज सभी से ये आह्वान किया जाता है कि सभी लोग 17 नवंबर को अपने घर वालों को, जितने बच्चे आए हैं आप सब रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कि अपने पेरेंट्स को, अपने बड़े भैया को, बड़ी बहन को, सबको प्रेरित करो भाई 17 नवंबर को फिनिक्स मॉल नहीं जाना है घूमने के लिए, उस दिन निकल के सबको वोट डालने आना है। तो ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जितने बच्चे यहाँ पर आए हैं, क्योंकि घर में जितने भी व्यस्त लोग हैं सभी के सभी मतदान करें और एथिकल मतदान करें। सभी को धन्यवाद, थैंक यू। जय हिंद, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे मातरम। वो बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को, एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म वर्ग जाति समुदाय भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना। और आपके बीच विक्रम अवार्डी हमारे रागिनी चौहान आपको शपथ दिलाएंगे। हम भारत के नागरिक, लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मान किया जा रहा है। और नाम है जया यादव, बहुत बहुत बधाई। एसोसिएशन के पूरे सदस्य भी आ जाए, एक तुम्हारा फोटो सेशन हो जाएगा इसमें।
लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्यौहार मतदान होता है, और ये जो लोकतंत्र हमारे देश में आया काफ़ी संघर्षों के बाद आया, कई लोगों ने अपनी जान तक दी, अपने पूरा जीवन जेल में बिताया। इसका सही ढंग से चरितार्थ तभी हो पाएगा जब सभी लोग ठीक ढंग से मतदान करेंगे। हमारी देश की आज़ादी के बाद मतदान का अधिकार भी सभी को मिला, बिना जाति वर्ग धर्म जेंडर देखे हुए। दुनिया के अन्य जो दूसरे देश हैं वहाँ पे कई सारे संघर्षों के बाद महिलाओं को वोट करने का अधिकार मिला, अन्य समूहों को मिला, हमारे यहाँ एक ही बार में सबको दे दिया था। तो ये एक बहुत बड़ा अधिकार है और इसका सभी को उपयोग करना है। जैसा अभी आप सभी लोग जानते हैं, कलेक्टर साहब भी बार बार जोर दे के इस बात को कह रहे हैं कि 17 तारीख को मतदान करना है, और इस ढंग से मतदान करना है कि आप अपनी सरकार बनाने के लिए, आप अपना विधानसभा का सदस्य चुनने के लिए मतदान कर रहे हैं। ये देखिए, लोकतंत्र में संप्रभुता है और जो असली शासक है वो जनता है। तो जब सही ढंग से आप अपने अधिकार का उपयोग करेंगे तभी सही मायनों में वो चरितार्थ हो पाएगा। एथिकल मतदान एक बड़ा मुद्दा है अभी आने वाले समय में, जो कलेक्टर साहब ने बताया अभी पेपर में सबके क्रिमिनल रिकॉर्ड सभी कैंडिडेट को अपने पब्लिश करने होते हैं, अपने संपत्ति का ब्यौरा भरना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें जानकारियां लें अपने जो भी प्रत्याशी हैं उनके बारे में, और एक सही निर्णय लें और अनिवार्य रूप से मतदान करें। बाकी जो बच्चे हैं उनसे वही मेरी अपील है कि अपने घर परिवार वालों का 100% अटेंडेंस आपको सुनिश्चित करना है कि सभी लोगों को अपने घर वालों को ले जाएं मतदान कराएं। धन्यवाद। महोदय सर का, SP सर का, एडिशनल SP सर का, SDM सर का, CO सर का, द मैन बिहाइंड के लिए, हमारे पूरे बच्चे 100% मतदान के लिए आह्वान करेंगे। जिला प्रशासन निवास आज सभी हमारे मेहमानों का यहाँ स्वागत करता है। आह्वान देवास का है, आह्वान एक हस्त सर, आज विधानसभा निर्वाचन को लेकर साइकिल रैली का आयोजन किया गया था, आपने लोगों से अपील भी की है वोट डालने की, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज हमारी स्वीप गतिविधियों जो लगातार चल रही हैं उसी के तारतम्य में आज साइकिल रैली का आयोजन किया गया था। साइकिल रैली का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य न केवल ये था कि सभी जनता बाहर निकल कर आए 17 नवंबर को और वोट डाले 100%, बट साथ में एथिकल वोटिंग के कॉन्सेप्ट के बारे में भी आज चर्चा की गई कि किस प्रकार से कोई प्रलोभन में आके वोट ना डाले, अपने प्रत्याशियों के बारे में पूरी जानकारी ले, उनकी शिक्षा के संबंध में, उनके क्रिमिनल बैकग्राउंड के संबंध में एवं उनकी वेल्थ के संबंध में ये सभी जानकारियां बोले और उसी के आधार पर एक नैतिक मतदान करे, तब जाके हम देश के एक अच्छे नागरिक बन सकेंगे।